कहानी उस दौर की है जब बाहुबली आनंद सिंह विधायक हुआ करते थे और बाढ़ में एक जलसा चलता था। धीरे धीरे सीएम नीतीश भी नतमस्तक होते चले गए और आनंद सिंह का कद बढ़ता चला गया तो एक नाम सामने आया, छोटे सर का। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे, आनंद की दूसरी अध्याय अब शुरू होने जा रही है। दूसरी अध्याय शुरू होने जा रही है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय के बाद आनंद सिंह जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उस समय मिली जब पटना हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आनंद सिंह को बरी कर दिया, यानी कोर्ट ने उनकी रिहाई मंजूरी कर दी, यानी साक्ष्य के अभाव में रिहाई हो गए। दोनों बेटे खुशी से झूम उठे, नीलम देवी खुशी का इजहार करने लगी, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकती है। आनंद सिंह ने साफ तौर से कहा कि मुझे जो जेल भेजवाया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आनंद सिंह की दूसरी अध्याय अब शुरू इसलिए हम करें क्योंकि आनंद सिंह लगातार पार्टी में हो या ना हो, वो हमेशा विधायक बनते आए हैं और जब उनके आवास पर छापेमारी हुई थी तो AK-47 हैंड ग्रेनाइड जैसे घातक हथियार मिले थे। उसके बाद पटना स्थित आवास पर जब छापेमारी हुई थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था, जिसके बाद आनंद सिंह की विधायकी चली गई और आनंद सिंह को जेल यानी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आनंद सिंह बाहर निकलने की भी कोशिश लगातार करते रह गए। RJD का दामन आनंद सिंह ने थामा, आनंद सिंह को भरोसा था कि लालू प्रसाद यादव बाहर निकालेंगे, लेकिन आनंद सिंह जेल में इंतजार करते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तस्वीरें और रंगत उस समय बदल गई जब फ्लोर टेस्ट में नीतीश पास करते हैं और नीलम देवी पाला बदलती है। तभी से ही गोलाबंदी शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि आनंद सिंह का दूसरा अध्याय अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ही राजनीतिक समीकरण भाप ली गई थी जब CM नीतीश कुमार और ललन सिंह, जो दवा देने वाले होते हैं, वो साफ तौर से आनंद सिंह के तारीफ करते हुए नहीं थके। नीलम देवी मौजूद थे, नीतीश कुमार और ललन सिंह तारीफ करते रहे। उसी समय रास्ता साफ हो गया था कि आनंद सिंह बाहर आएंगे। पे रोल पर जब आनंद सिंह बाहर आए थे तो उस समय लोकसभा का चुनाव था, यानी चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन बिना बोले हुए आनंद सिंह ने वैसा काम कर दिया जो ललन सिंह के लिए संजीवनी का काम किया और मुंगेर के दंगल में ललन सिंह दाव पेच के साथ विजय हो गए। जब ललन सिंह का पेरोल खत्म हुआ, ललन सिंह बियोर जेल गए। हाई कोर्ट में जब मामला चलना शुरू हो गया तो साक्ष्य के अभाव में आनंद सिंह बाहर आ गए, रिहाई हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में आनंद सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आनंद सिंह का चुनाव से सबसे बड़ा बयान निकल कर सामने आया कि जिसके कारण मैं सजा काटा हूं बिना गलती का, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि लिपि सिंह पर CBI जांच बैठाया जाए। 5 साल मैंने जेल गुजारा, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, अगर कोर्ट साक्ष्य के अभाव में आनंद सिंह को बरी किया तो सवाल तो उठता है भाई कि फंसाया गया है या कुछ और ही माजरा था। वो तस्वीर बाद में निकल कर सामने आएगी, लेकिन आनंद सिंह के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आनंद सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर से कहा, अभी इसका फैसला नहीं लिया गया है, अभी मैं बाहर आया हूँ, जनता के बीच जाऊंगा, जनता का सेवा करूंगा और जैसा उनका फैसला होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर समीकरण की तैयारी की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह आनंद सिंह के लिए बड़ा गिफ्ट भेज पाती है, सरकार मेहरबान हो गई, लेकिन माननीय कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च फैसला सभी को मान्य रहता है, लेकिन आनंद सिंह की दूसरी अध्याय जो पहले अध्याय में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे, अब वही बरकरार रहेगा कि आनंद सिंह छोटे सरकार के ही नाम से जाने जाएंगे और उन्होंने दिखा दिया, आनंद सिंह कहीं भी हो लेकिन बाढ़ की जनता हमेशा आनंद सिंह के साथ ही रहती है।